भाइयों और बहनों, पंजाब के लिए ये चुनाव क्या सिर्फ एक नई सरकार बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ एक नया मुख्यमंत्री बनाने भर के लिए है? क्या ये चुनाव सिर्फ नए एमएलए, नए मिनिस्टर चुनने के लिए ही है? जी नहीं, ये पंजाब में विकास की गति तेज करने और पंजाब को अनिश्चितता की स्थिति से बाहर निकालने के चुनाव है। एनडीए आज पंजाब में असली बदलाव के लिए मैदान में है। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की पूरी टीम इस मकसद के साथ संकल्प लेकर के आपके बीच आई है। अब भाजपा अपने साथियों के साथ पंजाब के विकास के लिए, पंजाब के लिए विकास और विश्वास का नया और पुख्ता रोड मैप लेकर आई है। पंजाब के लिए एनडीए ने अपने 11 संकल्प सामने रखे हैं। ये 11 संकल्प हर उस पंजाबी के हैं जो पंजाब और पंजाबियत की बात करता है। मैं कुछ संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों ने रखे लिए हैं वो आज आपके सामने रखता हूं। हमने संकल्प लिया है बॉर्डर एरियाज का विकास करने के लिए बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। हमने संकल्प लिया है पंजाब के विकास के लिए अगले 5 साल में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। एनडीए का संकल्प है आतंकवाद पीड़ितों की सहायता के लिए, आतंकवाद के कारण जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है ऐसे परिवारों के लिए आयोग का गठन करेंगे। हमारा संकल्प है पंजाब में हर गरीब को पक्का घर देंगे। हमने संकल्प लिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर बेहतर तालमेल के साथ सीमा पार से आने वाले नशे और हथियार सप्लाई को रोकेंगे।